नमस्कार, मैं हूं निजीपटर रविंद्र ठाकुर और आज हम मौजूद हैं प्रतिमा कुमारी के साथ, जो राजापाकर विधानसभा क्षेत्र 127 से महागठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी है। आज उनसे हम कुछ तीखे सवाल करने जा रहे हैं और उनसे जानेंगे जो उनका चुनावी एजेंडा क्या है और चुनाव को लेकर क्या तैयारी है। नमस्कार मैडम, जो आपने मुझे समय दिया। जी धन्यवाद। हाँ, अगर आप राजापाकर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी बनती है राजापाकर विधायक, तो राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेगी? देखिए, अभी तो हमारा दौरा चल रहा है राजापाकर विधानसभा के विभिन्न पंचायतों में, और हमको भाषण वासन देने नहीं आता है और आश्वासन भी हम नहीं देते हैं झूठा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जिस तरह से हम हर पंचायत का दौरा कर रहे हैं और जिस पंचायत की जो समस्या होगी वहाँ के लोगों से समझकर बुझकर उसका समाधान हम जैसे जीतेंगे वहाँ की समस्या का समाधान करेंगे। शनिचर हाथ राजापाकर की जहाँ तक बात है, राजापाकर विधानसभा के जितना भी बाजार है, आपको सहदेई का है, देसरी का है, शनिचर हाट है, त्वार हाट है, ये सबको ढंग से हम लोग डेवलप करेंगे। एक आदर्श मार्केट बनाने का हमारी योजना है। महिलाओं के लिए, चूँकि मैं महिला हूँ, तो हमारी कोशिश रहेगी महिला शिक्षा के लिए बेहतर काम किया जाए। और वहाँ पर महिला कॉलेज नहीं है, आप जानते हैं, तो महिलाओं के लिए हम लोग अच्छा से अच्छा मैं काम करना चाहूँगी। मैम, एक चीज़, वहाँ राजापाकर की जो सड़कें हैं, सबसे पहला सवाल ये, जो आप सड़कों के बारे में क्या सोच रही मैम, अगर राजापाकर विधायक बनती है आप, तो पहले सड़कों का आप क्या डेवलपमेंट करेगी? जो सड़कें जो है राजापाकर बाजार से लेकर के महुआ रूट, बहुत सारे जो सड़कें हैं बहुत दुर्लभ है। देखिए, राजापाकर की ही बात नहीं, पूरे बिहार में, अब गांव में आप जाइए, सिर्फ जो सड़क है आपको सामने NH वगैरह ही ठीक ठाक है, बाद बाकी गांव में बहुत बुरा हाल है। लेकिन मेरा मानना है कि लोगों के विकास के लिए और शहर से कनेक्टिविटी के लिए रोड का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक गाँव को हम लोग शहर से जोड़ें और शहरों का अच्छे से निर्माण करवाएँ, सड़कों का अच्छे से निर्माण करवाएँ। मैम, पहले आप अधिवक्ता थे और फिर आप राजनीतिक में आए हैं, राजनीतिक से आपको लगाव कैसे मैम? देखिए, हम अधिवक्ता पहले नहीं थे, पहले हम समाज सेवा में, क्योंकि हम ग्रेजुएट हैं, हमने ग्रेजुएशन करने के बाद हमारी इच्छा हुई कि मैं समाज सेवा करूं। और जब मैं गांव में गई तो बहुत तरह की समस्या को मैंने देखा, तो बहुत सी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कानूनी दाव पे थे, मुझे नहीं समझ में आता था, मैंने लॉ किया उसके बाद राजनीति में रहते हुए। और मेरी पूरी कोशिश है कि किसी भी व्यक्ति को उसको उसके समस्या के समाधान के लिए एक कानूनी प्रक्रिया से जो लोग गुजरते हैं उनको पता नहीं होता हमको कहाँ जाना है, तो जब मैं खुद ही नहीं उसके बारे में जानूंगी तो लोग को क्या सजेशन दूंगी। अच्छा, आप न्याय की बेटी मानते हैं? जी हाँ, न्याय की बेटी मानते हैं और चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को न्याय मिले, गरीब से गरीब, पिछले पैदान पे खड़े हुए लोगों को भी न्याय मिले। अभी हमारे जो तेजस्वी यादव है, जो मुख्यमंत्री के दावेदारी है, और उन्होंने बेरोजगारों के लिए 10 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में उन्होंने अपने कलम से रोजगार देने का वादा किया है, ये वादा की सच्चाई कहाँ तक है मैम, इसके बारे में बताइए। देखिए, जब हम चुनाव में जाते हैं तो एक दिन का ये प्रोग्राम नहीं होता है, विगत 5 सालों का ये तैयारी होती है हमारी, और पिछला रिकॉर्ड देखते हुए हम लोग एक एजेंडा तय करते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने कहीं ये योजना बनाई है कि जैसे सरकार में आएंगे तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, निश्चित रूप से देंगे वो। अभी नीतीश कुमार जो है 7 निश्चित योजना को लॉन्च किया है, जल नल योजना भी है, तो अभी वो 2 लॉन्च करने जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार के विकास के दौरे को आप क्या कहें? देखिए, उनके विकास के बारे में हमको कुछ नहीं करना, सेकंड वाला तो उनका होने नहीं जा रहा क्योंकि सरकार नहीं बनने जा रही। रही बात पहला 7 निश्चय की बात, तो उसके बारे में उनके जो साथी हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी, वो पूरा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि फ्लॉप कार्यक्रम है, तो इसके बारे में ज़्यादा हमको कुछ नहीं कहना है। राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे पहला आप जो है उनके, आपके जो शुभचिंतक है और जो वहाँ की जनता है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? राजापाकर की जनता को बस यही देना संदेश है हमारा कि अभी जो महागठबंधन ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने हम पे भरोसा जताया है, तो इसका सारा श्रेय राजापाकर की जनता को जाता है, जिन्होंने लगभग, मैं 16-17 सालों से उस क्षेत्र में लगातार लोगों से जुड़ के रही हूँ, लोगों के सुख दुख में मैं खड़ी रही हूँ, तो उनके प्यार और स्नेह का ही ये नतीजा है कि आज मुझे, मेरी पार्टी ने, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने,
बिहार के हमारे सम्मानित नेता लालू प्रसाद यादव जी ने हम पे भरोसा जताते हुए महागठबंधन का प्रत्याशी बनाया है। मैम, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं, आपको राजापाकर क्षेत्र से लगाव कैसा? एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, मैं शादी करके हाजीपुर ही आई, वहीं पे हमारे सब लोग रहते थे, हमारे हस्बैंड की पोस्टिंग थी, तो मेरा मायका छपरा हुआ, घर हम लोग का सोनपुर हुआ, तो वहाँ के लोगों से मतलब बच्चे बच्चे से लगाव है। जब मतलब मैं वहाँ पे पैर रखी हूँ तब से वहाँ के लोगों से मेरा एक अपना पारिवारिक संबंध है, तो हमें लगा कि बहुत सारी समस्या है जो कि एक घंटा में वो हम पूरा बता नहीं सकते आपको, छोटी छोटी समस्याएँ हैं, तो मुझे लगा कि मैं ग्रेजुएट हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो पढ़ लिख के नौकरी करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग और अच्छे तरीके से लोगों के समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसलिए मैंने उस क्षेत्र को चुना। मुझे आपको पता होगा कि पार्टी ने हम पे भरोसा जताते हुए 2014 में लोकसभा का कैंडिडेट बनाया था, महागठबंधन का ही, कांग्रेस पार्टी से, लेकिन किन्हीं कारणों बस फिर 13-14 दिनों के बाद मेरा टिकट कटा और हमारे सीनियर लीडर संजीव प्रसाद टोनी जी को दिया गया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं हमेशा पार्टी संगठन से जुड़ के रही, अभी मैं नेशनल कमेटी में हूँ, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की मैं कोऑर्डिनेटर हूँ अभी। राजापाकर विधानसभा क्षेत्र अभी जो है शिवचंदर राम वर्तमान विधायक हैं, उनके काम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उन्होंने भी काम अच्छा किया है, अब एक परिवार में 5-10 आदमी होते हैं, सब लोग तो खुश नहीं होते, किसी न किसी का कुछ ग्रीवांसेज होता है, नाराज़गी होती है, तो उसी तरह क्षेत्र की जनता एक परिवार की तरह है, कोई खुश है कोई नाराज है, लेकिन जो भी नाराज लोग हैं, खुश हैं वो तो हैं ही, नाराज लोग भी हैं, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनकी समस्या को हम सुनेंगे और आगामी 5 साल में उस सारी शिकायतों को दूर करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो आपने देखा कि अभी हमारे साथ राजापाकर से हम लोग रूबरू हुए, और अगले एपिसोड में हम लोग एक अगले शख्स से मिलेंगे। धन्यवाद, बने रहिए रविंद्र ठाकुर के साथ।